नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि लड़के और लड़कियां फेशियल कराती हैं, घंटों पार्लर में जाती हैं, लड़के सैलून में जाकर अपने चेहरे की मसाज करवाते हैं और ना जाने क्या क्या कराते हैं। अपने चेहरे की सुंदरता काफी महत्व रखती है। अगर आपका चेहरा गोरा हो और लेकिन उस पर दाग धब्बे हों और पिंपल्स हों तो वह आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेंगे। तो आपके चेहरे के पुराने से पुराने कालेपन को दूर करने के लिए और चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स और मुहासे, एक्ने के उनको साफ करने के लिए, अपने चेहरे को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे बेसन। बेसन हमारी त्वचा को अच्छे तरीके से साफ करता है और यह रोम छिद्रों में जमा मैल और गंदगी को निकालने का काम करता है, क्योंकि बेसन में ऐसे मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी स्किन को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। अब इसमें जो हमें दूसरी चीज जो चाहिए, वह हमें चाहिए हल्दी। हल्दी हम देखिए इतनी मात्रा में लेंगे, क्योंकि हल्दी हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारती है और हमारे चेहरे पर जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो पिंपल्स पैदा करते हैं, कीटाणु हैं, उनको मारेगी, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होती है जो कि हमारे चेहरे की त्वचा को अंदर तक जाकर सफाई करती है। अब हम इसमें लेंगे नींबू। देखिए हमें आधा कटा हुआ नींबू लेना है। नींबू हमारी स्किन को अच्छे से साफ करता है और हमारी स्किन को अच्छे से ब्लीच करता है। ब्लीच का मतलब यह है कि आपकी स्किन को अंदर तक जाकर साफ करेगा, आपके जो चेहरे के रोम छिद्र हैं उनमें जमा मृत कोशिकाओं को निकालेगा। नींबू काफी बेनिफिट्स होते हैं हमारे चेहरे पर लगाने के। तो दोस्तों, अपने चेहरे को गोरा, चमकदार और बेदाग रहित बनाने के लिए इस नुस्खे का प्रयोग करिए। तो इस नुस्खे में हमने हल्दी, बेसन और नींबू का प्रयोग किया। देखिए ये तीनों चीजें ही हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं और हमारे चेहरे से बैक्टीरिया को मारेगी हल्दी। और नींबू तो कमाल का होता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि कीटाणुओं को मारता है, मृत कोशिकाओं को निकालने का काम करता है। तो अब देखिए ये हमारा गाढ़ा पेस्ट ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम चेहरे पर अप्लाई करेंगे। इसको चेहरे पर अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। आपको करना क्या है कि आपको उंगलियों की हेल्प से अपने चेहरे पर इस तरीके से मसाज करनी है। ऐसा आपको 5 मिनट तक करना है। तो जब आप हफ्ते भर इस तरीके से अपने चेहरे की मसाज करेंगे तो आपके चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स, मुहासे और कुछ भी जो भी निशान होंगे आपके पिंपल्स एक्ने के, वह भी दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा गोरा और चमकदार दिखने लगेगा। तो दोस्तों, महंगे महंगे सैलून पार्लर में लड़कियां फेशियल कराती हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा ये बताया गया नुस्खा अपना लीजिए और आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। आपको कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है और आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है तो इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नुस्खा काफी सिंपल है। इसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप 5 मिनट तक इससे अपने चेहरे की मसाज करनी है और मसाज करने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लेना है। तो ऐसा हफ्ते भर करेंगे तो आपका चेहरा गोरा और बेदाग हो जाएगा और आपके चेहरे से पुराने से पुराना कालापन और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो काफी शॉर्ट था और काफी अच्छा था आपके लिए। तो ऐसे ही नुस्खे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।